हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, बार बार कमेंट आ रहे थे कि छात्रवृत्ति के फार्म कब शुरू होंगे, स्कॉलरशिप के फार्म कब निकलेंगे 10वीं और 12वीं के लिए। तो यदि आप जानना चाहते हैं पूरी अपडेट को तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि छात्रवृत्ति के फार्म शुरू हो चुके हैं और क्या योग्यता इसमें बताई गई है, कितने परसेंट नंबर होने चाहिए, कितने पैसे मिलेंगे, कब से कब फार्म भरे जाएंगे और क्या इस योजना का नाम है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, उससे पहले बताना चाहूँगा कि इस योजना के लिए फार्म भरना बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई भी फीस नहीं होती है। और दोस्तों, आप यदि हर प्रकार की छोटी और मोटी अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है, आपको हर अपडेट बिल्कुल फ्री में मिलती है, छोटी से लेकर बड़ी तक। तो फ्री है तो सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, मेरा हौसला बढ़ेगा, सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये अपनी वेबसाइट है www.ktdtjobnews.com, ठीक है। यहाँ पर मैं हर प्रकार की सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब या और कोई अन्य अपडेट आती है स्टूडेंट के लिए तो उसको शेयर करता हूँ। यहाँ पर देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी स्कॉलरशिप फॉर्म स्टार्ट फुल डिटेल 2019-20। तो डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति के फार्म शुरू हो चुके हैं और आपको यहाँ पे पूरी डिटेल मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हरियाणा सरकार के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना दी जाती है, ठीक है। इस बार डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना 2019-20 की पूरी डिटेल आपको इस पोस्ट में मिलने वाली है। उसके बाद में क्या बताया गया है, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग तथा विमुक्त जाति, घुमंतु जाति, अर्ध घुमंतु व टपरीवास है दोस्तों, यहाँ पे टपरीवास जातियों के छात्रों से डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 4 लाख रुपए से कम है। दोस्तों, इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, जिसकी वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम है और आप इनसे SC BC या जो घुमंतु जाति होती है उनसे संबंध रखते हो तो आप डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के लिए फार्म अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये BC कैटेगरी के लिए भी अवेलेबल है, SC कैटेगरी के लिए भी अवेलेबल है और घुमंतु जाति जो अभी नहीं बनी है हरियाणा में उनके लिए भी अवेलेबल है, वे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि 4 लाख से कम हो उनकी परिवार की आय, ठीक है। यानी कि सबसे पहली कंडीशन यही है कि परिवार के टोटल आय कुल 4 लाख रुपये से कम हो। छात्र विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आवेदन करने का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, 5 सितंबर से लेकर 4 नवंबर 2019 तक। तो दोस्तों, इस बार के लिए 5 सितंबर से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 4 नवंबर 2019 अंतिम तिथि है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दोस्तों, यदि आपको किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और कोई भी जो प्रॉब्लम है आपको उसका सोल्यूशन ले सकते हैं, या आप संबंधित जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, इस छात्रवृत्ति योजना के तहत कितनी छात्रवृत्ति मिलती है, क्या योग्यता है, इसके लिए नीचे आपको वीडियो बताई गई है, आप इन वीडियो को देख लीजिए, पूरी डिटेल आपको इन वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल बता रखी है कि क्या क्या योग्यता इसके अंदर होनी चाहिए, कितने परसेंट नंबर होने चाहिए, कितने नंबर मिलेंगे और किस जाति के लिए क्या कंडीशन रखी गई, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और इस पोस्ट का लिंक मैंने नीचे दे दिया है दोस्तों, जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई भी कर सकते हैं और जहाँ से आप पूरी डिटेल भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये अपडेट पसंद आई है। और दोस्तों, स्टूडेंट के लिए है ये 10वीं कक्षा के लिए, और अधिक जानकारी के लिए आप इस पोस्ट पर आकर, इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको ये पोस्ट का लिंक मिल जाएगा और आप इस वीडियो को देख लीजिए, इस वीडियो में पूरी डिटेल आपके लिए प्रोवाइड कर रखी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी है लाइक और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर हर अपडेट जो विद्यार्थियों से जुड़ी होती है उसको मैं देता रहता हूँ, बिल्कुल फ्री होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जाना नहीं है दोस्तों। धन्यवाद।